कल के दिन में हमने बेटा नेस्टेड फॉर लूप के बारे में पढ़ा था। ये हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप है। हमने कहा था कि एक लूप के अंदर एक और लूप होती है, उसको हम कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप। नेस्ट असल में आपको पता है घोंसले को कहते हैं। घोंसले के अंदर ना जिस तरह एक तिनके के अंदर दूसरा तिनका होता है, उसके अंदर तीसरा तिनका होता है, तो वो एक नेस्ट बना होता है। ठीक है, तो ये नेस्टेड है। ये उसी तरह से एक लूप के अंदर दूसरी लूप होती है, दूसरी के अंदर तीसरी होती है, उसके अंदर चौथी हो सकती है, मल्टीपल लेवल्स तक हो सकती है, लेकिन हम इसको सिर्फ दो लेवल्स तक करते हैं, जिसको हम नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं। हम उसमें आपके कोर्स के लिए दो ही लूप्स लेंगे, एक आउटर लूप होगी और एक इनर लूप होगी। इसकी एग्जाम्पल हमने ली थी कल की क्लास में टाइम टेबल की। ये जिस तरह से टाइम टेबल होता है, आपको एक टाइम टेबल मिलता है, आप क्या करते हैं मंडे वाले दिन आते हैं और उस टाइम टेबल के मुताबिक क्लासेस लेनी शुरू कर देते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई टाइम टेबल की एग्जाम्पल हो अगर। ले जी, ये टाइम टेबल आ गया है। एक लेट्स सपोज ये क्लास है, ये मैम सारा है। फॉर एग्जांपल ये मंडे को आती हैं, ये दो क्लासेस पढ़ाती हैं, ट्यूसडे वेनसडे फ्राइडे को, इसी रूटीन से क्लासेस पढ़ाती हैं। आफ्टर क्लासेस पढ़ाने के बाद उनका एक वीक मुकम्मल होता है, यानी कि आउटर लूप का फर्स्ट वीक पूरा हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाता है, फिर वो दोबारा मंडे को आते हैं, तो फिर इसी सीक्वेंस में सारी क्लासेस पढ़ाती हैं। क्लासेस पढ़ाने के बाद जब ये इनर कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाती है लूप, फिर आप दोबारा से वीक टू उसको कम्प्लीट डिक्लेयर कर देते हैं, फिर आप वीक थ्री के अंदर आते हैं, फिर ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। तो हम कहते हैं कि आउटर लूप के अगेंस्ट इनर लूप कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होती है। आप देखते हैं इसके कुछ प्रोग्राम करते हैं ताकि हमें समझ आए कि आउटर लूप के अगेंस्ट इनर लूप कैसे रन होती है। ये कल भी कोडिंग की थी, आज वही फिर दोबारा कर लेते हैं, मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब देखें, दो वेरिएबल चाहिए क्योंकि आपने दो लूप चलानी है, ए और बी कर लें, एम और एन कर सकते हैं एज एन टीचर। ठीक है, फॉर ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, ए की वैल्यू 1 से 3 तक चलेगी। यहाँ पे स्पेस दे के इसलिए लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा समझ आ जाए, स्पेस मैंडेटरी नहीं है। बी भी 3 दफ़ा चलेगी, मैसेज बॉक्स में लिखता हूँ ए, यहाँ पे कुछ स्पेसेस दे देते हैं, और बी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड, ताकि ये कंकेटिनेट हो जाए, और यहाँ पे भी लिख देते हैं एंड ताकि कंकेटिनेट हो जाए। कुछ भी पर्पस नहीं है, सिर्फ हमने देखना है कि बी और ए की वैल्यू किस तरह से चेंज होती है। फॉर नेक्स्ट, सो बेटा जी अंडरस्टैंड करें, ए और बी जो है वो एज एन टीचर हमने लिए, ए की स्टार्टिंग वैल्यू हमने रखी 1, और बी की स्टार्टिंग वैल्यू जब हम यहाँ से 1 रीड करके हमने देखा 1, 2, 3 ये लूप चलनी है, हम यहाँ पे आए तो बी की स्टार्टिंग वैल्यू थी 1। हमने इस लूप को एग्जीक्यूट किया, बी की वैल्यू हो गई 2, फिर हमने इस लूप को एग्जीक्यूट किया, बी की वैल्यू होगी 3, फिर इसको एग्जीक्यूट किया, फिर बी की वैल्यू होने हुई 4। 4 पे ये लूप नहीं चलनी थी, हम यहाँ पे आए नेक्स्ट ए, यानी कि अब ए के अंदर इजाफा होना था। ए की वैल्यू 1 थी तो ए की वैल्यू होगी अब 2। ए की वैल्यू 2 करने के बाद अब यहाँ हम लूप के अंदर आएंगे, लूप के अंदर आए बेटा यहाँ पे फिर बी की वैल्यू होगी 1, अगेन 0 से, सॉरी ना, नए सिरे से लूप स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें जी यहाँ पे लिखा हुआ है, जब ए को कंप्लीट आपने पहली दफ़ा एग्जीक्यूट कर लिए, चार चार वैल्यूज लिखी हुई हैं, जब बी की वैल्यू 2, हमने ए की वैल्यू 2 की अंदर आए, तो फिर बी 1 से शुरू हो गया। ठीक है, फिर बी की वैल्यू हमने 1 रख दी, यानी कि अब ए 2 होगा, बी 1 होगा, फिर ये लूप नेक्स्ट बी होगा तो ए 2 बी 2, फिर नेक्स्ट बी होगा तो ए 2 बी 3, फिर नेक्स्ट बी होगा तो अब ये 4 है क्योंकि 4 पे लूप चलनी नहीं है, दोबारा ये नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट अब ये ए 3 हो जाएगा। ए 3 के बाद जब दोबारा यहाँ पे आया, तो आपको लफ्ज़ लिखा नज़र आ रहा है फॉर बी इज़ इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि ये 1 दोबारा हो चुकी है, फिर ये 1 से स्टार्ट होगी, फिर 3 दफ़ा चलेगी, फिर नेक्स्ट ए आता है तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4। ए की वैल्यू 4 होने से अब आउटर लूप भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। आप देखते हैं ज़रा क्या ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट बी टाइप मिसमैच एरर, कौन सा एरर आ गया यहाँ पे, ए बी दो इंटीजर्स लिए हैं, यहाँ पे नेक्स्ट बी लिखा हुआ है, फॉर नेक्स्ट ए लिखा हुआ है। ए बी एज एन टीचर हैं, ए की वैल्यू 1 से 3 है, बी की वैल्यू 1 से 3 है, नेक्स्ट बी है,
और नेक्स्ट डे है, होना तो चाहिए एग्जीक्यूट। यहाँ पे एन कर देते हैं। बाज़ दफ़ा वो कोई पुरानी वैल्यूज़ ले रहा होता है ना, एक्सेल में अभी वो पुराना वाला वैल्यू अवेलेबल थी, एन और एम ये करके देख लेते, नहीं तो फिर दोबारा से इसको कोड करना पड़ेगा। एम और एन 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है, स्टिल एरर है तो इसको दोबारा कोड कर लेते हैं अभी। सर सर, जब मैसेज बॉक्स के अंदर तो नहीं मसला सर? आप एक नंबर को, वो जब डबल कॉट है वो स्ट्रिंग नहीं होती, नंबर को स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिस टाइम मिसमैच देगा। तो हाँ वो भी मल्टीप्लाई का भी इशू आ सकता है, हाँ ये भी ठीक है। तो ये देखें, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है। अब पहली लूप ऊपर वाली चली एक आइट्रेशन और अंदर वाली कंप्लीट चल चुकी है। अब जब मैं नेक्स्ट ए आता हूँ तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, ए की वैल्यू 2 होगी लेकिन साथ ही बी की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 2 होगी, बी की वैल्यू 3 होगी, अंदर वाली लूप कंप्लीट चलेगी, फिर नेक्स्ट ए आएगा। देखें अंदर वाली कंप्लीट एग्जीक्यूट होगी, नेक्स्ट ए आएगा तो ए की वैल्यू 3 होगी, बी की वैल्यू होगी 1, 3 1, 3 2 एंड 3 3, ये हमारे पास 3 3 है। ठीक है, तो ये तरीकाकार है एक लूप के अंदर दूसरी लूप को लेके चलने का। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर मैं एक्सेल के ऊपर, कंफ्यूजन सी हो गई है, कंफ्यूजन हाँ जी बेटा सी हो गई है सारी, और एक बार समझा दें। दोबारा समझा दें। देखें जी, ये लूप कितनी दफ़ा चलनी है, 3 दफ़ा। ठीक है, हम इसमें सिर्फ ये शो कर लेते हैं एन, इसका तो पता है ना बेटा कि नहीं, इसका तो पता है। ये देखें ना, ये 1 से 3 तक शो कर देगा, 1 2 3। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक और लूप लगाता हूँ। ठीक है, जिस तरह कंडीशन लगाते हैं वैसे इसके अंदर एक और लूप भी लगा सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ फॉर एम इज इक्वल टू 1 2 3। अब एक लूप बाहर वाली है जो मैंने बाहर करके लिखा हुआ है, ये इनर लूप है, इसको मैंने थोड़ा सा ये स्पेस दे के लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर मैं मैसेज बॉक्स लगा देता हूँ, मैसेज बॉक्स में लिख देते हैं पाकिस्तान, कुछ भी नहीं लिखते हम। नेक्स्ट एम। सो बेटा कॉन्सेप्ट ये है कि आउटर लूप की एक आइट्रेशन के अगेंस्ट इनर लूप कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होती है। ये कैसे होता है देखें ज़रा। शुरू पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए एन और एम, एन की स्टार्टिंग वैल्यू मैंने रखी 1। जब मैं इस देखें 1 से 3 तक ये लूप चलनी है, बज़ाहिर ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने की सूरत में लूप बॉडी के अंदर आना है, जो भी यहाँ पे लिखा हो, जिस तरह से पहले सिर्फ मैसेज बॉक्स लिखा था। मैं लूप की कंडीशन देख के लूप के अंदर जब आया तो वहाँ पे मुझे एक और लूप नज़र आ गई। ठीक है, उसमें क्या लिखा था, एम इज इक्वल टू 1, और कंडीशन क्या रखी थी, तब तक चले लूप जब तक एम थ्री नहीं हो जाता, एम फॉर मास्क लेट्स सपोज, वो 3 नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक ये लूप चलेगी। तो ये लूप सारी की सारी रन होनी है, एक्चुअली ये लूप 3 दफ़ा चलनी है। जब हम जैसे ही हम इधर से अंदर आए तो हमें एक और लूप नज़र आई और ये लूप 3 दफ़ा चल गई, चल के कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आए तो नेक्स्ट एन लिखा हुआ था, इस नेक्स्ट एन ने हमको यहाँ पे लेके जाना है विद वैल्यू 2। पहले एन की वैल्यू 1 थी, नेक्स्ट लेवल से मुराद नेक्स्ट एन की वैल्यू अब होगी ये 2। दो वैल्यू 2 वैल्यू के साथ जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे फिर एक स्टेटमेंट हमें नज़र आई फॉर एम इज इक्वल टू 1, और कब तक चलाएं जब तक 3 ना हो जाए, फिर ये 3 दफ़ा चली। फिर यहाँ पे नेक्स्ट एन के जब हम रीड किया, रीड करने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे विद एन की वैल्यू 3, एन 3 वैल्यू के साथ हम दोबारा आए, अभी भी कंडीशन ट्रू है, फिर लूप के अंदर आना। जैसे ही मैं अंदर आया तो फिर ये स्टेटमेंट नज़र आई एम इज इक्वल टू 1, कब तक चलेगी लूप, जब तक ये 3 नहीं हो जाती, फिर ये 3 दफ़ा चलेगी। तो जब भी मैं ऊपर वाली लूप से अंदर वाली लूप में आता था तो अंदर वाली लूप कम्प्लीटली 0 से लेके एंड तक कम्प्लीटली रन होती थी। फिर जब यहाँ पे आया तो एन की वैल्यू होगी 4, अब ये 4 पे दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगी, आउटर लूप भी नहीं चलेगी, इनर लूप भी नहीं चलेगी। समझ आई बेटा बात की, या अभी भी रिपीट करूं?
हाँ जी सर आ गई है, मगर सर हाँ जी जो इनर लूप है सर वो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, जो लिमिटेशन है वो आउटर लूप की है। आउटर लूप की है, ठीक है। जी अब मैं देखना चाहता हूँ कि वैल्यूज़ कैसे चेंज हो रही हैं। एन और एम लिख दें, सिंपल, स्पेस ना दें। ये एन आउटर लूप की वैल्यू है, ये इनर लूप की वैल्यू है। देखें जब एंटर हुए तो दोनों की वैल्यू वन है, वन वन हुई। फिर इनर लूप की वैल्यू चेंज हुई, यानी कि बी की वैल्यू चेंज होगी, वन टू हो गया। फिर इनर लूप की वैल्यू चेंज हुई, वन थ्री हो गया। इनर लूप कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगी, यानी कि अंदर वाली लूप जो एम के साथ चल रही है वो कम्प्लीट हो गई है। नीचे लिखा था नेक्स्ट एन, अब एन की वैल्यू होगी दो। ऊपर वाली लूप की नई आइटरेशन स्टार्ट होनी थी, जब ऊपर वाली लूप से दोबारा मैं यहाँ पे आया एन टू के साथ, यहाँ पे फिर एम वन है, यानी कि टू वन। फिर ये डिस्प्ले होगा टू टू, फिर ये डिस्प्ले होगा टू थ्री। ये अंदर वाली लूप कंप्लीट होगी, फिर यहाँ पे एन आ जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी अब थ्री। अब थ्री के साथ अभी कंडीशन टू है, फिर मैं दोबारा यहाँ पे आया तो फिर एन एम जो है एम एम फॉर मास्क, वो दोबारा से वन है, वन। फिर इसका मतलब वो फिर तीन दफ़ा चलेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं अंदर आऊँगा ऊपर वाली लूप के अंदर, तो अंदर वाली लूप पूरी की पूरी एग्जीक्यूट होगी। इसके एग्जाम्पल दोबारा देखते हैं। जैसे ही हमारे पास नया वीक स्टार्ट होता है, हम फिर से उसी रूटीन में पूरी क्लासेस पढ़ाते हैं। जैसे नया वीक स्टार्ट होगा, फिर से पूरी क्लासेस पढ़ाएंगे। देखें ज़रा, ये हमारे पास वीक है। जैसे नया वीक स्टार्ट होगा, फिर से हम पूरी क्लासेस पढ़ाएंगे और वीक में एक का इजाफा कर देंगे। जैसे पूरा नया वीक स्टार्ट होगा, क्लासेस पढ़ाएंगे और वीक में एक ऐड करते जाएंगे। 8 वीक होंगे तो हम मिड ले लेंगे, ठीक है। तो आउटर लूप के अगेंस्ट इनर लूप कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होती है। जैसे नया वीक स्टार्ट होगा, पूरी क्लासेस पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, फ्राइडे तक की। फिर सैटरडे संडे ऑफ हुआ, मंडे को फिर दोबारा नया वीक स्टार्ट हो गया। नया वीक फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है, ज़ीरो से। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, कि हम जब भी लूप को स्टार्ट करते हैं, इनर लूप फिर ज़ीरो से स्टार्ट हो जाती है। अब वन थ्री टू वन, इसके बाद आएगा टू 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 थ्री, इनर लूप कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगी। आउटर लूप में गए, टू जो है ये वाला स्टार्ट वाली, यानी कि एन की वैल्यू थ्री हो जाएगी, तो थ्री के बाद फिर थ्री वन, थ्री टू एंड थ्री थ्री, ठीक है। अब इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ ऑन एक्सेल शीट, मैसेज बॉक्स की बजाय एक्सेल शीट के ऊपर लेके जाना हो। सेल्स एन, ये इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है आपने, एन और एम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ एन टी यू, कुछ भी नहीं लिखता। अब देखें बेटा, इसमें जब हम यहाँ पे आएंगे, एन की वैल्यू वन है और एम की वैल्यू भी वन है। फर्स्ट आइटरेशन के अंदर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये रो नंबर होती है, ये कॉलम होता है, ये होता है आर सी, आर रो नंबर कॉलम नंबर, यानी कि रिवर्स ऑफ सी आर, मैंने आपको याद रखने का तरीका अगर बताया था तो। आर सी रो नंबर वन कॉलम नंबर वन में एन टी यू डिस्प्ले हो जाएगा। एन की एम की वैल्यू हो जाएगी दो। अब दोबारा इस लूप के अंदर आएंगे, एन की वैल्यू तो वन नहीं है अभी, वन टू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के अंदर एन टी यू आएगा। फिर एम की वैल्यू हो जाएगी तीन, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के अंदर एन टी यू आएगा। यानी कि जब ये इनर लूप एक दफ़ा चलेगी तो यहाँ पे तीन जगह पे एन टी यू लिखा नज़र आएगा, ठीक है। फिर एन की वैल्यू हो जाएगी दो, जब दो होगी यहाँ पे आए दोबारा, एन की वैल्यू फिर से वन है, टू वन। फिर ये लूप चलेगी तो टू टू, फिर ये लूप चलेगी तो टू थ्री। फिर ये लूप कंप्लीट होने के बाद एन की वैल्यू हो जाएगी थ्री, यहाँ पे हम जाएंगे तो थ्री, थ्री कंडीशन ट्रू है इसका मतलब, फिर यहाँ पे आए तो फिर वन, थ्री वन, थ्री टू और थ्री थ्री। इस तरह से पहले 9 सेल्स, पहले ये रो लिखी जाएगी, फिर ये रो लिखी जाएगी, फिर ये रो लिखी जाएगी। देखें ये इस तरह से एन टी यू लिखा गया। अगर मैं इसको कर देता हूँ फोर फोर, अब ये फोर फोर पे चला जाएगा एन टी यू, नहीं ये फोर फोर हो गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे स्टैटिक डिस्प्ले करता हूँ, तो ये स्टैटिक डिस्प्ले हो गया इसी तरह से, ठीक है। इसके लिए एक और चेंज इसके अंदर करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन, यहाँ भी इसको फोर ही रहने देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन, सिर्फ एन की वैल्यू शो होगी। देखें जब ये इनर लूप चल रही होगी तो एन की वैल्यू वो डिस्प्ले करेगा, एन की वैल्यू वन होगी।
अगली दफ़ा टू होगी, अगली दफ़ा थ्री होगी, अगली दफ़ा फोर होगी। तो फर्स्ट रो के अंदर सारी के अंदर वन आ जाएगा, सेकेंड रो के अंदर टू आ जाएगा, यहाँ पे थ्री आ जाएगा, यहाँ पे फोर आ जाएगा, वन टू थ्री फोर। बेटा इसकी समझ आई है? ये मैं इसको दोबारा समझाऊँ? आ गई है सर, इसकी समझ आ गई है। आगे अगर मैं यहाँ पे कॉलम नंबर लिख देता हूँ m, फिर क्या होगा? अब इसमें वन, इसमें टू, इसमें थ्री और इसमें फोर हो जाएगा ये नीचे, ठीक है? अब इसमें और चेंजेस करते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ n प्लस m कर देता हूँ, तो ये पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है? यानी कि ये रो इसकी डुप्लीकेट है, ये रो इसकी डुप्लीकेट है, ये रो इसकी डुप्लीकेट है, और ये इस तरह एक पैटर्न बनता है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है? सो इस तरह का क्वेश्चन बेटा जी आपको पेपर में आएगा, आपको एक पैटर्न दिया होगा। ये भी हमने कितने पैटर्न कर लिए हैं, पहले स्टेरिक्स लिखे थे, फिर हमने सभी पे वो एन लिखा, फिर सभी पे एम लिखा, फिर सभी पे हमने वो उनके प्लस लिख के उनके मल्टीपल, हम तकरीबन छः कर चुके हैं अभी तक। अभी और करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस्टेरिक। इसको स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा। अब क्या होगा, पहले नंबर पे आउटपुट देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी वर्किंग भी समझा देता हूँ। इसको रेज करेंगे तो वर्किंग समझ आएगी इसकी। ये इसकी आउटपुट बनी है, आपको विजिबल होगी। ये हुआ कैसे है, ये सारा क्यों नहीं लिखा गया? हमने कहा n की वैल्यू 1 है जब हम इनर लूप में आए, तो m की वैल्यू भी 1 है, लेकिन कब तक है, यानी कि उसकी एंडिंग वैल्यू भी 1 है। अगली दफ़ा आएंगे तो ये 1 से लेके 2 तक होगा, अगली दफ़ा से 1 से 3 तक, अगली दफ़ा आएंगे तो 1 से लेके 4 तक होगा। अगर समझ नहीं आई तो फिर इसका एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। ताकि इसकी समझ आ जाए हमको, ये टोटल 16 टाइम चलेगी लूप। यहाँ पे हम लिख देते हैं एन की वैल्यू और यहाँ पे लिख देते हैं एम की वैल्यू। नहीं बेटा जी, जब हम यहाँ पे आए तो एन की वैल्यू हमने रखी 1, जब यहाँ पे आए तो एम की वैल्यू हमने रखी 1, और हमने कहा कि चलेगा कब तक, जब ये 1 तक है, 1 to 1, यानी कि टोटल 1 टाइम चलनी है ये लूप। यहाँ पे आए तो लिखा हुआ था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि एक्सेल शीट के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर मैंने स्टैरिक लिख दिया, ठीक है? फिर मैं यहाँ पे आया नेक्स्ट एम, एम की वैल्यू हो गई 2, 2 तक ये लूप नहीं चलनी क्योंकि ये मैक्सिमम एन तक चलनी है और एन की वैल्यू तो 1 है। फिर मैं यहाँ पे आया, एन की वैल्यू हो गई 2, यहाँ पे 2 हो गया। हमने कहा यहाँ पे जब आके रीड किया एम इज इक्वल टू 1 है, लेकिन चलेगा अब ये 2 दफ़ा, 1 और 2। जब यहाँ पे आए तो फर्स्ट यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये था, इसके अंदर स्टैटिक डिस्प्ले किया। फिर दूसरी दफ़ा यही वाली अंदर वाली लूप चली तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, एम की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे स्टैटिक डिस्प्ले होगा, ठीक है? फिर ये एम की वैल्यू में 1 का इजाफा हो गया, एम की वैल्यू हो जाएगी 3। अब ये नहीं चलेगी, यहाँ पे आएंगे एन की वैल्यू में 1 का इजाफा करेंगे, अब एन की वैल्यू हो जाएगी 3। यहाँ पे भी अपडेट करते जाते हैं। जब ये हुई 2, 1 के लिए चली, फिर 2 थी तो 1 के 2 के लिए चली, फिर अब एन की वैल्यू हो गई 3, अब ये 1, 2, 3 दफ़ा चलेगी, फिर ये एम की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो फिर ये 1, 2, 3, 4। यानी कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, अंदर वाली लूप की आइट्रेशंस बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे अंदर वाली लूप की आइट्रेशन बढ़ रही है, क्योंकि हमने लिमिट उसको n वाली लगा दी है। n की वैल्यू 1 थी तो अंदर वाली लूप 1 दफ़ा चली, n की वैल्यू 2 होगी तो अंदर वाली लूप 2 दफ़ा चलेगी, n की वैल्यू 3 होगी तो अंदर वाली लूप 3 दफ़ा चलेगी, n की वैल्यू 4 होगी तो अंदर वाली लूप 4 दफ़ा चलेगी, ठीक है? अब देखें जी क्या ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ठीक है? अब अगर इसमें n की वैल्यू शो करना चाहूँ मैं, तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा, और अगर मैं m की वैल्यू शो करना चाहूँ तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा, ठीक है? और अगर मैं दोनों को सम करके शो करूँ तो ये वाला पैटर्न बनेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करके शो करूँ तो ये वाला पैटर्न बनेगा, ये वाला लाइक दिस। सिमिलरली हमारे पास एक और मेथड है कि यहाँ पे इसको एन कर दें,
इसको सॉरी कर दें, फोर ही रहने दें और इसकी जगह एन लिख दें, ठीक है। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, अंदर वाली लूप की काउंट जो है ना, अंदर वाली लूप की इटरेशंस कम होती जाएंगी, यानी कि पहली दफ़ा ये एन की वैल्यू वन है तो वन टू फोर चार दफ़ा चलेगी, अगली दफ़ा ये एन की वैल्यू टू हो जाएगी तो टू टू फोर यानी कि टू थ्री फोर तीन दफ़ा चलेगी, फिर ये इधर से एन की वैल्यू थ्री हो जाएगी तो थ्री यानी कि थ्री और फोर दो दफ़ा चलेगी, फिर एन की वैल्यू फोर हो जाएगी तो फोर टू फोर एक दफ़ा चलेगी। तो अब इस दफ़ा पैटर्न थोड़ा सा जो है ना उसको मैं कर देता हूँ, यहाँ पे स्टैरी की लिखते हैं, अभी स्टैरी के साथ चलते हैं। पहले को रेस कर देते हैं सारे, तो ये स्टैरी किस तरह से डिस्प्ले हो गई। अब इसी जगह पे मैं एन लिख देता हूँ तो ये इस तरह से पैटर्न बना, इसकी जगह पे एम लिख दिया तो ये पैटर्न बना। अब इन दोनों में सम लिख दें तो ये वाला पैटर्न बनेगा, और सिमिलरली मल्टीप्लाई लिख दें तो फिर ये वाला पैटर्न बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आप पेपर में किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पैटर्न किस तरह से डेवलप होगा, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ये देखें फॉर एग्जांपल ये वाला जो है ना, आप देखते हैं वन टू थ्री फोर फोर सिक्स एट, ये किस तरह से आ रहा है, ये वन को वन से मल्टीप्लाई किया है, वन को टू से, वन को थ्री से, वन को फोर से, यहाँ पे फिर टू को टू से, टू को थ्री से, टू को फोर से, यहाँ पे थ्री को थ्री से, थ्री को फोर से, यहाँ पे फोर को फोर से। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, कोई एक दो घंटे लगाएंगे तो बहुत आसानी से आपको ये पैटर्न समझ आ जाएंगे। ये जो आज की क्लास में तकरीबन हमने कोई 15 के करीब पैटर्न्स लर्न किए हैं मल्टीपल, इनमें से कोई एक आध आपको पेपर में भी आ जाएगा। क्वेश्चन है बेटा कोई? बेटा क्वेश्चन है ये तो, अगर आ गया तो इतनी मैं सर कोडिंग तो नहीं, क्या कहते हैं, पढ़ी हुई किसमें आ गया सर, इतने सर कॉम्प्लेक्स कोई आ गया तो फिर सर। बेटा अभी हमने कितने किए हैं सर, इसी में से आएगा बेटा, ये ऑलमोस्ट इन्हीं में से ही होगा, को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन यहाँ पे ये जो है ना कोडिंग तकरीबन सेम ही रहती है, ये वाली सिर्फ आपने यहाँ पे और यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी है, ठीक है, और यहाँ पे ये दो लाइनें चेंज होने की, ये आपका अब इतना तो आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं माशाल्लाह से, तो इतना तो जो ना वो आपकी कॉमन सेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेपर के अंदर, लेकिन मिलती जुलती होगी ना कोई, मतलब आप बिल्कुल 100% नहीं करेंगे, को इक्का दुक्का वैल्यूज तो मैच करती होंगी, तो आप जो है ना वो आठ में से चार जो छः नंबर सात नंबर तक पहुंच जाएंगे फिर भी, लेकिन ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लास्ट सेमेस्टर भी मैंने ऑनलाइन पढ़ाया था, ये जो पैटर्न वाला क्वेश्चन था इसमें सारे बच्चों के पूरे पूरे नंबर थे। थोड़ी सी प्रैक्टिस, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ है ना किस तरह बन रहा है ये पैटर्न, आप वो खेलते हैं पजल्स जो खेलते हैं, गेमिंग जो मोबाइल फ़ोन के ऊपर एंड्रॉयड पर बहुत सारी गेम्स हैं, वो यही चीज़ है, आपने पजल्स प्रोड्यूस करने हैं, आपने देखना है कि ये कौन सी चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से आता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो पहले नंबर पे ये चीज़ है कि अगर ये एक हमारे पास है रेक्टेंगल पूरी की पूरी, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये दोनों वन टू फोर और वन टू फोर, वन टू फाइव टू वन टू फाइव इस तरह से होंगे, तो रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगी, स्क्वेयर भी है एक्चुअली। अगर ये हमारे पास ट्राइंगल है तो दो ही पॉसिबिलिटी हैं कि या यहाँ पे एन लिखा होगा जो वैल्यू है, इसको मैं रेज कर देता हूँ, या फिर इसकी जगह पे यहाँ पे वन लिखा होगा और यहाँ पे एन लिखा होगा, ठीक है। दो तरह की रेक्टेंगल्स बनती हैं, ये आ गया, ठीक है, एक रेक्ट सॉरी दो तरह की ट्राइंगल्स बनती हैं और एक रेक्टेंगल बनती है, स्क्वेयर बनता है। तो आपके लिए मेरे ख्याल में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि तीन चीज़ों को तो रट्टा यहाँ पे लग गया ना, रेक्टेंगल कैसे बनती है, स्क्वेयर जिसको कह रहे हैं, और दो ट्राइंगल्स कैसे बनती हैं। अगर इस तरह की ट्राइंगल है, ठीक है, तो जिसको स्टैंडर्ड कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बनता है, तो इस सूरत में आपने यहाँ पे एन लिखना है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे एन लिखते हैं और यहाँ पे फोर लिखते हैं तो फिर ये कुछ इसके ऑपोजिट वाली ट्राइंगल बनेगी इस तरह से। तीन चीज़ों को तो रट्टा लग गया, बड़ा क्लियर हो गया, ठीक है। अगर स्टेरी कहेगा फिर भी कोई इशू नहीं है, वन 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 सारा आ रहा होगा, वन वन रिपीट हो रहा हो मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर,
इसका मतलब है कि सिंपल वैल्यू शो की हुई है, एम लिखा हुआ, ये 1, 2, 3, 4, मतलब एक सिमिलर वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास दो ही ऑप्शन है, या प्लस किए होंगे या मल्टीप्लाई किए होंगे। तो मेरे ख्याल में इतना तो मतलब आप 24 आवर्स हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं ऑलमोस्ट, तो उसमें गेम्स वगैरह भी खेलते हैं, तो उसमें हम ये इस तरह के पजल्स लर्न करते हैं ना उसमें से, मेरे ख्याल में आसानी से कर सकते हैं आप, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके है, मूव करें नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। बच्चों ये इतना बहुत ज्यादा गलत हाँ जी बेटा, समझ नहीं आई बेटा आवाज की। है। मैंने कहा सर आज के लिए वैसे इतना बहुत है, ये प्रैक्टिस हो जाए तो सर अच्छी है। इतना ही बहुत है, वैसे दूसरी क्लास को जो मैंने पढ़ाया है ना उसके अंदर मैंने एरे भी पढ़ा दी हुई है। सर वो वीविंग की क्लास है ना सर, वो नेक्स्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। वो मैंने इसलिए पढ़ा दी क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें कुछ नहीं आता, मैंने कहा अगर कुछ नहीं आता तो फिर इसमें